हरे कृष्णा अध्याय सात श्लोक नंबर 30। साधि भूतादि दैवं मां साधि यज्ञं च ये विदु प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसा। इसका अर्थ, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं तक के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतएव वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। यह सातवां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित होते हैं। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के संसर्ग में आता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और यह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भुलाकर भौतिक कार्यों में उलझ जाता है। सतसंगीत संगति में रहने से कृष्ण भावना के क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस प्रकार कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध हुआ है। वह यह भी समझ सकता है कि यह मनुष्य जीवन कृष्ण भावनामृत को पुनः प्राप्त करने के लिए मिला है, अतः इसका सदुपयोग परमेश्वर की अहैतुकी कृपा प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है वे हैं, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु मनुष्य, अभावग्रस्त मानव, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता। वह सीधे कृष्ण भावनामृत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में वह शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़ व्रत कहलाती है और यह भक्ति योग या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का भी यही मत है। भगवद गीता का यह सातवां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो ये था दोस्तों श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य श्लोक 7.30, जो कि लास्ट श्लोक है अभी इस सातवें अध्याय का। इसका मतलब हमने सातवां अध्याय कंप्लीट कर लिया है। इसमें पूरा सारांश सातवें अध्याय का श्रीला प्रभुपाद ने हमें समझाया है और बता रहे हैं कि इस श्लोक के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे भगवान बताते हैं हमको, रिजल्ट बता रहे हैं इन सब का। जो कृष्ण भावना भावित भक्त होता है वो भगवान को मृत्यु के समय समझ जाता है और ऐसा भक्त भगवान को पा लेता है प्रयाण काले। प्रयाण काले का मतलब मृत्यु के समय। तो ये कैसे होता है? क्योंकि वो पूर्ण
समर्पण किया होता है उसने, वो पूर्ण उनके ज्ञान में रहता है, कॉन्शियसनेस में रहता है कि भगवान ही सुप्रीम है। वो समस्त इस जगत का हो या समस्त देवताओं का हो या समस्त यज्ञ विधियों के नियामक है, गवर्निंग प्रिंसिपल है, ये वो समझ जाता है। आदि भूत, आदि दैव और आदि यज्ञ, ये वो समझ जाता है, इसीलिए भगवान को पा लेता है इस समझ से। तो सबसे सिंपल उपाय जो एसेंस है चैप्टर 7 का, वो अगर एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद, तो वो देखिए ये बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति कृष्ण पूरी तरह से कृष्ण भावना में कैसे आ सकता है। तो शुरुआत के दिनों में हमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का संगति लेना होगा, इसी से ये पॉसिबल है ना। जैसे जैसे संगति वैसे मति बोलते हैं ना, और जैसे मति वैसी गति, तो जिसको जैसी गति चाहिए उस हिसाब से उस व्यक्ति के जाके संगति कर सकता है। अगर दुराचारी का संगति करता है तो उसको समझ जाना चाहिए उसकी क्या गति होने वाली है। अगर सज्जन पुरुष का संगति करता है तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि वो कहाँ जाने वाला है। और अगर भगवत संगति करता है, भक्तों की संगति करता है, तब तो राधे राधे, वो तो नैया पार लग जाती है उसकी, भगवान के धाम वो पहुँच जाता है उस भक्त के मदद से। तो यहाँ पे श्योरिटी क्या है कि ये टोटली दिव्य पोजीशन है और भगवान को वो समझ जाता है कि यही सबसे बड़े नियामक है और यही हमारे कर्ता धर्ता है। यही सोच जो होती है, ये उसका जो विश्वास है भगवान में दृढ़ कर देता है, वो पूरी तरह से विश्वासु हो जाता है कि भगवान ही सब कुछ है और हम उनके क्या है, सेवक हैं। तो उसका उस वजह से जो हियरिंग और ये है, हियरिंग और चैंटिंग प्रोसेस होता है, मतलब हियरिंग एंड ग्लोरीफाइंग ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, जो श्रवण और कीर्तन हम बोलते हैं, वो पूरी तरह से इतना दृढ़ हो जाता है कि वो भगवान के सिवा और कुछ नहीं जानता, वही उसके सब कुछ हो जाते हैं। और ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो भक्त होता है, वो कभी नहीं कृष्ण को भूलता। और ये स्थिति जब वो आ जाता है, इसको क्या कहते हैं, दृढ़ व्रत, डिटरमाइंड फेथ, उसकी श्रद्धा दृढ़ रहती है। और ऐसा व्यक्ति जो कि कभी नहीं भगवान कृष्ण को भूलता, तो मृत्यु के समय भी वो नहीं भूलता, बस कृष्ण की ही याद करता है। और क्या होता है, सीधे गोलोक वृंदावन को प्रमोट हो जाता है, उसकी क्या होती है, सदगति हो जाती है, भगवान के धाम वो पहुंच जाता है। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि यही भक्ति योग का शुरुआत है, क्या, दृढ़व्रत, जो हमारा श्रद्धा है वो दृढ़ होना चाहिए। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल दृढ़ता का अगर बताए आपको, तो लक्ष्मी मैया से बढ़कर कौन हो सकता है, जो भगवान की पराशक्ति है ना। आप देखेंगे कथाओं में और प्रवचनों में, कहीं पे भी उल्लेख आप देखिए, तो शिवसागर में जब भगवान बैठे रहते हैं तो लक्ष्मी मैया हमेशा उनका जो चरण है वो हमेशा चंपी करते रहती है ना, सहलाते रहती है उनके चरणों को, जबकि भगवान के अंग में विविध देवी देवताओं का वास है, एक एक जगह भगवान ने एक एक देवताओं को दिया है। तो वैसे ही लक्ष्मी माता को उन्होंने क्या दिया है, अपना वक्षस्थल दिया है, वो हमेशा भगवान के वक्षस्थल में निवास करती है, वो वहाँ से कभी छोड़ के जाती नहीं है। तो मगर आप कथाओं में देखिए, लक्ष्मी मैया इंटरेस्टेड नहीं है वक्षस्थल में बैठने के लिए, वो जबकि भक्त जब आते हैं तो वो वक्षस्थल पर बैठी हुई दिखती है, मगर जब बाकी का समय होता है, आप देखोगे लीलाओं के कथाओं से, वो हमेशा भगवान का चरण पक्ष ये करते रहती है, सहलाते रहती है, चंपी करते रहती है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो चरण है वो सबसे बढ़कर है भक्तों के लिए, वही उनका प्राण है। जो भी जीवात्मा जब कभी भी भगवान की गुणगान गाते हैं, ग्लोरिफिकेशन करते हैं, चाहे ब्रह्मा हो, शिव हो, नारद हो, कोई ऋषि मुनि हो, कोई भी हो, इंद्र चंद्र कोई भी हो, या
मनुष्य, साधारण मनुष्य भी हो, वो सब भगवान के चरणों का ही गुणगान करते हैं कि हमें हमेशा आपके चरणों में स्थान दीजिए। और तुलसी मैया हमारी, तुलसी महारानी, वो भी भगवान के चरणों में ही रहती है ना। शास्त्र में, कथाओं में तो इतना भी कहा गया है, कभी कभी तुलसी मैया लक्ष्मी माता से क्रोधित हो जाती है और बोलती कि आप अपने जगह वापस क्यों नहीं चली जाती, आपको भगवान ने अपना वक्षस्थल दिया है, आप चरण में क्यों आके रहती है, बैठती है, ये तो मेरी जगह है, आप इधर मत बैठा करो, आप वक्षस्थल पर जाके बैठा करो, आपकी जगह वहाँ है, ऊँची स्थल है। मगर तो भी लक्ष्मी मैया छोड़ती नहीं है, वो भगवान के चरण को पकड़ के रखती है। तो हर किसी को भगवान का चरण चाहिए। तो इससे पता चलता है कि भगवान के हम सब सेवक हैं और उसी में सबसे बड़ा आनंद मिलता है। जब वैभव की देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, जिसके पीछे पूरा संसार भाग रहा है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग क्या चाहते हैं, पैसा मिल जाए, बस पैसा मिल जाए, उसके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत करेंगे, महालक्ष्मी व्रत करेंगे, पता नहीं कितना कितना क्या क्या व्रत करेंगे, मगर खुशी नहीं पाते हैं कितना भी पैसा मिला तो भी। मगर लक्ष्मी मैया जो है, उनकी खुशी का आप देखिए कहाँ है ठिकाना, उनका जो स्थल है, स्थान है, वो भगवान के चरणों में है। तो इस कथाओं से ही हमको समझ जाना चाहिए, जब लक्ष्मी माता भगवान कृष्ण के, विष्णु के चरणों में अपना खुशी प्राप्त करती है, सब कुछ प्राप्त करती है, वैभव लक्ष्मी या धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी, कोई भी धैर्य लक्ष्मी हो, संतान लक्ष्मी हो, कोई भी नाम से आप बुलाइए लक्ष्मी जी को, सब भगवान की ही पराशक्ति है। तो वो जब भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ती तो हम क्यों भागे इधर उधर, किसी और का मुख क्यों देखे, जबकि भगवान के चरण ही सब सक्षम है सब का कार्य संपन्न करने में। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि सबसे देवताओं में, देवी देवता में बढ़कर लक्ष्मी माता को पूजा किया जाता है, स्थान दिया जाता है, मगर लक्ष्मी माता सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने पति देव श्री विष्णु के चरणों में ही लगी रहती है सेवा में। तो हमें ये सीख लेना चाहिए, ये एक सबक है हम लोगों के लिए, बद जीवों के लिए, कि भगवान से, भगवान का जो चरण कमल है उससे बढ़कर इस जगत में और कुछ नहीं है, वही हमारा स्थल है, रहने वाला स्थल है, सेवा का स्थल है, हमारे ध्यान का स्थल है, हमारा सब कुछ है, उसी से हमको खुशी प्राप्त हो सकती है। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल और सबसे बड़ा सीख हम इससे लेना चाहिए। इसके बारे में हम कथा भी सुनेंगे, वो हम कल परसों सुनेंगे जब जैसा वक्त मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये ईजीएस्ट फॉर्म चैतन्य महाप्रभु ने हमको मंत्र रूप में दिया है, जो कि हम ध्यान करें या कुछ चिंतन करें, ये कलयुग में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीव इतना अग्रसर है भौतिक जगत में, बेचारा भटका हुआ है पूरी तरह से, वो बेचारा ध्यान क्या लगाएगा भगवान के चरणों में। इतनी दुर्गति हो गई है कलयुग के जीवों का कि वो ध्यान नहीं लगा सकता, अन्य युगों के जैसे, भक्तों के जैसे या तपस्वियों के जैसे उसका ध्यान बिल्कुल कलयुग के जीवों का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसीलिए सरल उपाय हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना है, बस। ध्यान लगे या ना लगे, मन लगे या ना लगे, कुछ भी हो, मगर मुख से हमारा मंत्र जप चालू रहना ही रहना है, उसी से हमारा उद्धार होगा, पूर्ण कल्याण होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय।